हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का 4th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, सो दैट वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स का मीनिंग होता है कि हमें SN निकालना है, ठीक है। हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में स्टडी किए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रहेगा या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, तो आपको मालूम है हम SN कैसे निकालते हैं, TN कैसे निकालते हैं, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम टू एन टर्म, और आपको देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है 3 + 33 + 333 + 333 4 times ++ अप टू एन टर्म्स तक है। तो मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपको फाइंड आउट करना है वो मैं लिख रहा हूँ। 3 + देखो यहाँ पर 33 + 333 + देखो यहाँ पर 333 4 times है, ++ कंटिन्यू रहेगा, .. लास्ट में दिया नहीं, मतलब ये एन टर्म्स रहेगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है ना, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि फाइंड सम टू एन टर्म, यानी कि हमें SN फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस का SN निकालना इजी होता अगर ये सीक्वेंस GP में होता, बट ये सीक्वेंस GP में नहीं है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर रेशियो निकालोगे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो वो कॉन्स्टेंट नहीं आएगा। देखो 33/3 क्या 11 आएगा, 33/33 किया तो डेसिमल में, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, कॉमन रेशियो आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो हम SN का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसे GP में कन्वर्ट करेंगे। एक बार GP में कन्वर्ट हो गया उसके बाद आप SN का फॉर्मूला निकाल करके यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसका, यानी कि सम इसका निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपका देखो नंबर सेम रहेगा, यानी कि 3 है 3 3 है, या फिर 2 रहेगा 2 2 रहेगा, या फिर 8 है फिर 8 8 8 8, लाइक दैट, जब सेम ऐसा नंबर रहेगा ना, तो एक मेथड है इसे सॉल्व करने का। हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 3 को कॉमन लेना होगा। तो ईच टर्म में देखो मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 11 बचेगा प्लस 111 बचेगा प्लस 111 प्लस प्लस अप टू क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका n टर्म्स आने वाला है, ठीक है, दिस वे, ठीक है। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, एक बार 3 कॉमन हो गया तो जो ब्रैकेट के टर्म्स है उसे हम 999 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 9 में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 9 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड और आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये ब्रैकेट देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 + 11 + 111 + 111 + n टर्म्स आपको दिया है, ठीक है, दिस वे। तो हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं होगा क्वेश्चन में। अब हम क्या करते, देखो यहाँ पर ये जो 3/9 है मैं ऐसे ही लिखता हूँ, और ये जो 9 है जो मल्टीप्लिकेशन में है, इस 9 को मैं ब्रैकेट के अंदर के ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 × 1 तो 9 प्लस 9 × 11 तो 99 प्लस 9 × 111 तो 999 हो जाएगा, प्लस ये 999 और ये 9 ++ अप टू आपको लिखना है n टर्म्स, आपको समझा रहेगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो प्रोसीजर यही है आपका, यानी कि हम 9 9 9 9 9 999 4 9 ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू 3/9, हमें क्या करना है कि जो ब्रैकेट का टर्म है ना उसे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है, GP में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 9 है, 9 को मैं देखो 10 - 1 भी लिख सकता हूँ, प्लस 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, प्लस और ये 999 को हम जो है 1000 - 1 लिख सकते हैं, और ये 4 times 9 को हम 10000 - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10000 - 1 लिख सकते हैं, और ये प्लस प्लस आपका क्या यहाँ पर दिया है, n टर्म्स, ये आपका ऐसे कंटिन्यू रहेगा, इतना समझा रहेगा आपको, ब्रैकेट क्लोज कर दो।
सो दिस इज इक्वल टू, जगह 3/9 को मैं कैंसिल करके 1/3 लिख सकता हूँ। 3 1 3 3 3 देखो यहाँ पर 9 हो जाएगा दिस वे। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है यानी कि जो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, उसे मैं एक साथ यानी कि एक सेपरेट ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर 10 + 100 प्लस आएगा यहाँ पर 1000 आएगा आपका, प्लस यहाँ पर देखो 10,000 आएगा, ठीक है, प्लस प्लस अप टू क्या आएगा यहाँ पर देखो n टर्म्स हम लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा क्या बच रहा है आपका, -1 -1 -1 -1 अप टू n टाइम है। तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + अप टू n टर्म्स आएगा, ठीक है। ये देखो हमें दो ब्रैकेट हो गया, तो हमने टर्म्स को दो ब्रैकेट में देखो कन्वर्ट कर दिया दिस वे। फर्दर मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/3 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखते हैं हम, देखो ये 10 + 100 + 1000 + 10,000 + अप टू n टर्म्स। अब ये जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है वो GP में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं पहले तो ऐसे लिखता हूँ इसको, 10 + 100 + यहाँ पर देखो 1000 है, प्लस यहाँ पर देखो है ये 10,000, और ये प्लस प्लस अप टू क्या लिखा है यहाँ पर, n टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, प्लस प्लस अप टू n टर्म्स है। और यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर क्या दिया है, 1 + 1 + 1 + अप टू n टर्म्स, यानी कि हम 1 1 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 × n, तो वो n हो जाएगा। मालूम है आपको, जैसे कि हमें 2 + 2 + 2 3 टाइम करना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे। अगर आपको 2 + 2 + 2 10 टाइम ऐड करना है तो आप 2 × 10 करोगे, 20 आ जाएगा। सेम वे अगर हमें 1 + 1 + 1 n टाइम ऐड करना है तो 1 × n, वो n आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो -n यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस वे। इतना आपको समझा जाएगा, इसे ब्रैकेट में डाल दो आप, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ना, द टर्म्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट आर इन GP। आप चेक करोगे आपको GP मिलेगा, कॉमन रेशियो सेम मिलेगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 10 आएगा, देन अगर आप रेशियो निकालोगे तो 100/10 देखो 10 आएगा, 1000/100 10 आएगा, 10,000/1000 आपको 10 मिलने वाला है, कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयर फोर टर्म्स इन फर्स्ट ब्रैकेट, हाँ टर्म्स इन फर्स्ट ब्रैकेट आर इन, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर GP विथ, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 10, एंड व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आएगा R = 100/10। कोई भी दो टर्म ले लो और उसका रेशियो निकाल दो आप, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। तो मैंने ये फर्स्ट टू टर्म्स लिया, 100/10 हमें 100/10 तो कितना आ जाएगा, देखो आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो हम जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम उसका सम निकालना है, बिकॉज एडिशन दिया ना देखो आपको, तो फर्स्ट ब्रैकेट का हमें SN निकालना है, तो मैं वहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। SN का फॉर्मूला आपको पता है, SN का फॉर्मूला होता है a × देखो r^(n-1)/ क्या आता है, r-1। ये फॉर्मूला आपको मालूम ही है। और ये जो माइनस n है ना, ये तो एज इट इज़ आपका रहेगा, क्योंकि माइनस n में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो तो सेपरेट है, एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई कर दो तो 1/3 × ब्रैकेट, देखो a का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 10 है, r का वैल्यू कितना है 10^(n-1)/10-1, और ये माइनस n आपका एज इट इज़ रहेगा। फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर दो, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर देखो 10, दिस इज 10^(n-1)/10-1 कितना हो जाएगा 9, और ये देखो आपका माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर आप एक स्टेप और कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट अगर आपने नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, और ये देखो आपका 10/9 हो गया × 10^(n-1), और ये माइनस इन, ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया था 3 + 33 + 333 + 333 4 times ++ up to n term, तो उसका आंसर कितना आया 1/3 (10/9) × 10^(n-1)-n, ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 5 का देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, सेम जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया वैसे ही आपको सेकंड को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज फाइंड SN, यानी कि हमें जो सीक्वेंस दिया है उसका हमें सम फाइंड आउट करना है SN।
तो जो गिवन सीक्वेंस है वो तो जीपी में नहीं है और एपी में भी नहीं है, तो सबसे पहले गिवन सीक्वेंस को हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना। एक बार गिवन सीक्वेंस जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद हम एसएन का फॉर्मूला यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो जो गिवन थिंग है जो फाइंड आउट करना है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 8+88+888+ देखो यहाँ पर दिया है 8088 प्लस प्लस, ऐसा ये कंटिन्यू रहेगा अप टू एन टर्म्स तक। हाँ, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द सम टू एन टर्म, तो ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, अप टू एन तक बोला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू हमें निकालना है तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। रूल आपको पता है, सबसे पहले हमें इसे वन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं 8 को कॉमन ले लूँगा, तो अगर आप यहाँ से 8 कॉमन ले गो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, देखो 1+11+111+ यहाँ पर 111 बचेगा, प्लस प्लस अप टू ये तो n टर्म्स रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आफ्टर दैट एक बार 1 का टर्म आ गया ब्रैकेट में, अब हम उसे 9 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 9 में कन्वर्ट करने के बाद वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हमें 10,000 मिल गया तो सीक्वेंस जो है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूल आपको मालूम है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, और देखो मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1+11+111+ देखो यहाँ पर 111 प्लस प्लस देखो यहाँ पर दिया है n टर्म्स हमें दिया हुआ। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ये 8/9 को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और ये जो 9 है ब्रैकेट के अंदर ईच टर्म को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 9 × 9 प्लस ये हो जाएगा ये 9 प्लस ये हो जाएगा 9 और प्लस देखो यहाँ पे 9 और ये 9 फोर टाइम्स आएगा, प्लस प्लस ये n टर्म्स मैं एज इट इज़ लिखता हूँ दिस वे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 8/9, ब्रैकेट में देखो 9 है तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 10-1 प्लस 99, यू कैन राइट 100-1 प्लस 999, यू कैन राइट 1000-1 और ये 9999, यू कैन राइट 10,000-1। हाँ, आप लिख सकते हो 10,000-1 और ये प्लस प्लस अप टू यहाँ पर n टर्म्स आपका ये देखो कंटिन्यू रहेगा दिस वे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 8/9 ब्रैकेट में जो 10,000 का टर्म है उसे हम एक साथ लिखेंगे और जो 1 है उसे हम एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखो 10+100+1000। ठीक है, प्लस 10,000 और यहाँ पे प्लस है -1 -1 -1 लाइक दैट n टाइम्स आपको दिया है, तो ये तो प्लस प्लस अप टू क्या आएगा n टर्म्स आएगा, ये हो गया। इसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं और जो -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स है ना, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1+1+1 प्लस प्लस अप टू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे n टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, दिस पे यहाँ तक आपको समझा जाएगा। अब देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना वो जीपी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं उसको वैसे रखता हूँ। सो दिस इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/9 और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में ये 10+100+1000 और ये प्लस देखो आपका 10,000 यहाँ पर प्लस प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसे मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ एज इट इज़। फिर देखो उसके बाद आपको दिया है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं और ये देखो 1+1+1+1 अप टू n टाइम हमें ऐड करना है, तो जब मैं 1 को n टाइम ऐड करूँगा तो 1 × n यानी कि n हो जाएगा, तो सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू कितना आएगा आपको मिल जाएगा n मिल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट आपको दिया है 10+100+1000+10,000 अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो सीक्वेंस जीपी में है बिकॉज कॉमन रेशियो कांस्टेंट आएगा। देखो यहाँ पर 100/10 किया तो 10,000/100 किया तो भी 10 आएगा, 10,000/1000 किया तो भी आपको 10 मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द टर्म्स। हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे द टर्म्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट, द टर्म्स इन द फर्स्ट ब्रैकेट आर इन क्या लिखोगे आप, जीपी में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो 100/10 दैट इज़ आपको 10 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 8/9 तो ऐसे ही रहेगा और जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना
हम उसमें SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अ GP। फार्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर r माइनस 1 ये हो गया आपका, देन माइनस, और ये जो n है वो तो एज इट इज़ आपका रहने वाला है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 8/9 इंटू ब्रैकेट, a का वैल्यू 10 मिला है तो 10 पुट कर दो, r का वैल्यू भी 10 है तो 10 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, और ये माइनस n एज इट इज़ रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 8/9 ब्रैकेट, देखो यहाँ पर 10, 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सो 10/9 दिस इज 10 रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका माइनस n। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। तो जो गिवन क्वेश्चन था यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ 8+8, 88+8, 88+8, 88+ this, तो उसका आंसर क्या मिला, 8/9 ब्रैकेट में 10/9 इंटू 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस n, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, फाइंड द सम टू n टर्म। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया था वो इंटीजर था, और यहाँ पर हमें डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो हमें इसका सम निकालना है, 0.4+0.44+0.444++ up to n टर्म, यानी कि हमें SN, ये पूरे टर्म का हमें सम निकालना है, SN निकालना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ मैं डायरेक्टली देखो सॉल्व करता हूँ, दिस इज इक्वल टू, रूल आपका सेम है। सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा आपको मालूम है, हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो आपका 0.1+0.11+0.111+ up to n terms, तो एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो गिवन सीक्वेंस है वो GP में नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए सब मॉडिफिकेशन करना होगा आपको। तो देखो नेक्स्ट रूल क्या होता है कि हम 9 से डिवाइड और 9 से ऑलवेज मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये टाइप के क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम थिंग किया था, वही चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी करेंगे। तो ये 0.1 प्लस देखो आपका 0.11 प्लस 0.111 प्लस प्लस अप टू क्या जाएगा, यहाँ पर देखो ये n टर्म्स है, ठीक है, दिस वे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/9, और ये जो 9 है इंटू 9 जो हमने किया है ना, वो ब्रैकेट में ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.1 इंटू 9 तो देखो 0.9 प्लस ये 0.999 प्लस देखो 0.999, और ये प्लस प्लस अप टू n टर्म्स रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें SN निकालने के लिए बोला है, सम ऑफ द n टर्म। सो दिस इज इक्वल टू, हम ट्राई करेंगे कि जो ब्रैकेट का टर्म्स है उसे हम GP में कन्वर्ट कर दें, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। 0.9 को हम 1-0.1 भी लिख सकते हैं, मालूम है आपको, प्लस 0.99 है तो हम इसे 1-0.01 भी लिख सकते हैं, फिर देखो यहाँ पे प्लस 0.999 को आप 0.001 भी लिख सकते हो, सॉरी आप इसे 1-0.001 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। प्लस प्लस अप टू क्या आएगा यहाँ पर, n टर्म्स एज इट इज़ रहने वाला है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज़ इक्वल टू 4/9। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब जो प्लस वन प्लस वन प्लस वन है उसे मैं एक ब्रैकेट में लिखूँगा, और जो यहाँ पे डेसिमल का टर्म है उसे मैं सेकेंड ब्रैकेट में लिखूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1+1+1 प्लस प्लस अप टू ये n टर्म तक जाएगा, n टर्म्स तक, ठीक है। देन अब क्या बच रहा है आपका सेकेंड, -0.1-0.01-0.001 up to n term, तो यहाँ से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, तो सेकेंड ब्रैकेट में सब पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0.1 प्लस देखो 0.01 फिर प्लस 0.00 और ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस प्लस अप टू क्या लिखोगे आप यहाँ पर, n टर्म्स, आपको समझा रहेगा दोनों भी ब्रैकेट, इक्वल हो जाएगा आपका 4/9 इंटू ब्रैकेट 1+1+1+1, यानी कि 1 को हम n टाइम ऐड कर रहे हैं, तो 1 इंटू n हो जाएगा वो, यू विल राइट हियर n माइनस, और ये देखो आपका 0.1+0.01+0.001 में एज इट इज़ लिखता हूँ, माइनस ब्रैकेट में 0.1+0.01+0.001 प्लस प्लस अप टू आपको यहाँ पर लिखना है n टर्म्स, ठीक है।
अब अगर आप ये सेकेंड ब्रैकेट के टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो वो जीपी में है, जीपी में है। फर्स्ट टर्म 0.1 रहेगा और कॉमन रेशियो क्या रहेगा आपका 0.0, वो निकालना पड़ेगा हमें। तो जो ये ब्रैकेट का टर्म है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा, आपको कॉमन रेशियो एवरीवेयर सेम मिलने वाला, आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा द टर्म्स, हाँ आई विल राइट द टर्म्स इन सेकेंड ब्रैकेट, हाँ द टर्म्स इन सेकेंड ब्रैकेट, द टर्म्स इन सेकेंड ब्रैकेट आर इन, क्या लिखोगे आप, जी पी लिखोगे विथ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए यानी कि फर्स्ट टर्म 0.9, कॉमन रेशियो आर कितना आएगा नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, देखो 0.01 डिवाइड बाय 0.1, सिंप्लीफाई करने आता है आपको। 0.01 को निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपको 100 से इंटू करना होगा, तो 0.01 इंटू 100 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा डिवाइड बाय 0.1 इंटू 100 किया तो यहाँ से आपको कितने मिलने वाला है 10 मिलने वाला है, 1/10 किया तो 0.1 आएगा। तो कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 0.1 आएगा, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू भी 0.1 हमें मिल रहा है। तो अब हम ब्रैकेट में SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। सो दिस इज़ इक्वल टू ये 4/9 आपका एज इट इज़ रहने वाला है, n माइनस को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, और ये जो टर्म है ब्रैकेट में यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो SN का फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 4/9 n एज इट इज़ रहेगा माइनस a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 0.1, ठीक है, ब्रैकेट में r का वैल्यू 0.1 रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर का वैल्यू 0.1 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 ब्रैकेट देखो यहाँ पर n माइनस 0.1 है तो मैं 0.1 को वैसे लिखता हूँ, कोई इशू नहीं है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर ब्रैकेट में 0.1 रेस टू n वैसे रहेगा माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 1 करेंगे, 0.1 माइनस 1 करोगे तो आपको नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी कि 1 माइनस 0.1 करोगे तो माइनस 0.9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 0.9 आएगा, तो 0.1 माइनस 1 0.9 आप चेक कर लो कैलकुलेशन करके, माइनस 0.9 आएगा। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू ब्रैकेट में n माइनस, नाउ सी हियर, अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर देखो प्लस लिख देता हूँ 0.1, हाँ यहाँ पर बच रहा है 0.1 अपॉन 0.9 और ब्रैकेट में क्या है 0.1 रेज टू n माइनस 1 है, ठीक है। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 4/9 ब्रैकेट n, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर 0.1 अपॉन 0.9, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/9 मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 और यहाँ पर देखो 0.1 रेज टू n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा फाइनल आंसर हो गया है, बट अगर आपको बैक आंसर चाहिए तो एक स्टेप और आप सॉल्व कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 4/9 और यहाँ पर देखो n है, मैं क्या करता हूँ ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट से मैं माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं जब माइनस साइन को कॉमन लूँगा तो ये साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 1/9, हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट से, हाँ दोनों टर्म से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये माइनस वन था तो प्लस वन हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 0.1 रेज टू n, ये आपको बैक आंसर दिया है। तो हमारा सम सॉल्व हो गया, अगर आपने यहाँ सेकेंड लास्ट स्टेप तक किया तो भी करेक्ट है, यहाँ तक किया तो भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सम आपका कंप्लीट हो गया। इक्वेशन में 7 देखो आपको दिया है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि आपको tn निकालना है, ठीक है। अब देखो जो आपको सीक्वेंस दिया है, फर्स्ट सब क्वेश्चन है 0.5 0.55 0.555, ये सीक्वेंस आपका जीपी में नहीं है, एपी में भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें गिवन सीक्वेंस को जीपी में कन्वर्ट करना होगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा हमें आंसर, हमें tn फाइंड आउट करना है, यानी कि nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। देखो अगर ये टर्म्स को आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो सही है, आपको कुछ रिलेशन मिलेगा। T1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, कितना दिया है 0.5, अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है ना T2, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T2 कितना दिया देखो 0.55 दिया है, बट अगर मैं 0.5 में मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा 0.05 ऐड करूँगा तो मुझे देखो T2 मिल जाएगा ना, 0.55 मिल जाएगा,
तो जस्ट मैंने क्या किया है, टी वन यानी कि फर्स्ट टर्म में मैंने 0.05 ऐड किया तो मुझे देखो 0.55 यानी कि सेकेंड टर्म मिल गया है। नेक्स्ट देखो मैं अगर थर्ड टर्म निकालता हूँ टी थ्री इक्वल टू, अब देखो मुझे टी थ्री निकालना है, टी थ्री कितना दिया है 0.555 दिया है, तो अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूँ 0.5 प्लस 0.05 प्लस लिखता हूँ मैं 0.005 तो मुझे देखो ये मिल जाएगा 0.555 मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.005 को अगर आप ऐड करोगे तो 0.55 मिलने वाला है, ठीक है। लाइक दैट अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, फोर्थ टर्म इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस देखो 0.005 प्लस आएगा 0.005 इज इक्वल टू 0.555, ऐसा फोर टाइम्स आप लिख सकते हो। लाइक दैट हम टी एन निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो टी एन यानी कि जनरल टर्म टी एन इक्वल टू हो जाएगा 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस देखो 0.00 और यहाँ पर 5 प्लस प्लस ये कंटिन्यू रहेगा हमारा अप टू क्या आएगा यहाँ पर n टर्म्स हम लिख सकते हैं दिस वे। तो अभी ये जो tn यानी कि जो जनरल टर्म है nth टर्म है वो सेम हो गया आपका sn के बराबर हो गया, दैट मीन्स tn इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म हो गया। देयरफॉर यू कैन राइट हियर tn इज इक्वल टू आप लिख सकते हो sn, यहाँ पे लिख सकते हो जनरल टर्म इज इक्वल टू हो गया सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। अब ये सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म कैसे निकालेंगे, अब ये जो आपका सीक्वेंस है वो जीपी में कन्वर्ट हो चुका है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू हो गया आपका 0.5 फर्स्ट टर्म, हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा देखो 0.05 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म कितना है 0.5, तो मैं देखता हूँ रेशियो कितना मिलता है मुझे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ डेसिमल निकालने के लिए 0.5 देखो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें यहाँ से आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5 डिवाइड बाय आपको यहाँ से 50 मिलेगा, दैट मीन्स 1/10 आएगा तो आप यहाँ पर 0.1 लिख सकते हो। तो कॉमन रेशियो आर का वैल्यू मिल गया 0.1 और हमें देखो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू मिल गया है 0.5, तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा therefore tn इक्वल टू sn इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ अ gp इज़ गिवन बाय फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास है। a फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर देखो 0.5 है ब्रैकेट, r का वैल्यू 0.1 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय आर का वैल्यू 0.1 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दो ये हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट 0.1 हाँ तो 0.1 रेज टू एन में वैसे लिखता हूँ माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 1 तो माइनस में आंसर आएगा, तो अगर आप 1 माइनस 0.1 करोगे तो 0.9 आता है तो आंसर यहाँ पर आएगा माइनस 0.9। दिस वे एक स्टेप और लिख दो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा टी एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू 0.5 इंटू, देखो यहाँ पर 0.1 रेज टू एन माइनस 1 है तो मैं ये ब्रैकेट से ना माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये टर्म आपका प्लस हो जाएगा फर्स्ट वाला माइनस हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस 0.1 रेज टू एन और ये डिवाइड बाय आपका 0.9 तो एज इट इज़ रहेगा। आई थिंक आपको समझा रहेगा ये जो न्यूमरेटर है उसमें से मैंने माइनस साइन को कॉमन निकाला है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज किया सो दैट ये माइनस कैंसिल हो जाए आपका डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको फाइनल आंसर दे देगा टी एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया पॉजिटिव हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.9 तो हमें क्या मिलेगा 5/9 मिलेगा और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 0.1 रेज टू एन, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम हमारा सॉल्व हो गया है तो ये फाइनल आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 का देखो जो सेकंड सब क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.22, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्टली सेम वे सॉल्व करना है, जहां पर 5 लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिखते जाओगे 22 लिखते जाओगे तो आपको फाइनल आंसर सेम वे मिलेगा, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2/9 1 माइनस 0.1 रेज टू एन। सो बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क ट्राई कर लेना। सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया हुआ है
फॉर अ सीक्वेंस इफ एस एन इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस 1। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, आपको दिया सीक्वेंस का 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस 1। क्वेश्चन इज फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि आपको टी एन निकालना है एस एन को यूज करके, एंड हैंस शो दैट द सीक्वेंस इज इन जी पी। तो आपको एस एन दिया है, एस एन को यूज़ करके हमें टी एन निकालना है। बहुत ईजी है, जब भी एस एन दिया रहेगा और आपको टी एन निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो एक रिलेशन है टी एन और एस एन के बीच में, टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला को यूटिलाइज करके हम जनरल टर्म यानी कि टी एन फाइंड आउट करेंगे सीक्वेंस का, ठीक है। तो सिंस हमें क्या दिया, देखो यहाँ पर एस एन आपको दिया हुआ है 3 रेज टू एन माइनस वन, ये हमें एस एन दिया हुआ है। तो टी एन का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको एस एन चाहिए जो कि दिया है, हमें एस एन माइनस वन भी निकालना होगा। एस एन माइनस वन का मीनिंग होता है सम ऑफ द फर्स्ट एन माइनस वन टर्म, और एस एन का मीनिंग होता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। सिंपली क्या करना है, ये एन को रिप्लेस करके वहाँ पर एन माइनस वन आपको लिखना है। तो इक्वेशन में बोथ साइड एन के प्लेस पे एन माइनस वन, एन के प्लेस पे एन माइनस वन हम शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एस एन माइनस वन 2 इंटू एन के प्लेस पे आपको एन माइनस वन लिखना है, ठीक है। तो 3 एन माइनस वन और ये माइनस वन तो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट को हमें ओपन करना होगा। सो दिस आई कैन राइट एस एन माइनस वन इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस वन माइनस 2 वन ज़ा 2, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को, ठीक। देखो ये आपका एस एन माइनस वन हो गया, तो हमें एस एन दिया था और हमने वहाँ से क्या फाइंड आउट किया, हमने देखो एस एन माइनस वन निकाला सम ऑफ द फर्स्ट एन माइनस वन टर्म। अब देखो टी एन का फॉर्मूला यूज़ करो आप, तो सिंस टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर Sn माइनस Sn माइनस वन होता है, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सॉल्यूशन मिलेगा। देखो सो टी एन इक्वल टू Sn कितना है 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस वन, फिर माइनस Sn माइनस वन का ये वैल्यू है, तो माइनस है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा 2 इंटू 3 रेज टू देखो n माइनस वन और ये माइनस 2। ब्रैकेट ओपन करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो यू विल गेट हियर टी एन इक्वल टू, हाँ आपको मिलेगा टी एन इक्वल टू, 2 से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू देखो ये 3 रेज टू एन हो जाएगा, फिर माइनस 2 वन ज़ा 2, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस आएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेज टू देखो एन माइनस 1, और माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस 2 हो जाएगा। ये हमने ब्रैकेट को ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, कुछ देखते कैंसिलेशन होता है क्या, माइनस 2 प्लस 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका टी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू एन माइनस 2 इंटू क्या बच रहा है 3 रेज टू एन माइनस 1 बच रहा है। मैं 2 को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो 3 रेज टू एन माइनस 3 रेज टू एन माइनस 1 बचेगा। थोड़ा और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 रेज टू n ना, तो ये 3 रेज टू n ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 रेज टू n माइनस 1 है, तो पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू n इंटू, इसे 3 रेज टू माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, जस्ट मैंने पावर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू n, देखो कॉमन आएगा ब्रैकेट से, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस 3 रेज टू माइनस 1 बचेगा, उसे मैं देखो 1/3 भी तो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रेज टू एन इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 वन सा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 दिस में, तो दिस इज इक्वल टू, तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी तो यहाँ पे एक्चुअली क्या मिलेगा आपको 4 अपॉन 3 इंटू देखो ये 3 रेज टू एन, तो ये हमें जनरल टर्म मिल गया टी एन, फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड nth टर्म, तो हमें टी एन मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द सीक्वेंस इज इन जी पी, तो सीक्वेंस जी पी में प्रूफ करने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, अगर रेशियो कांस्टेंट आएगा दैट मीन सीक्वेंस इज इन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू शो दैट, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे टू शो दैट द सीक्वेंस, हाँ टू शो दैट द सीक्वेंस इज इन जी पी, ठीक है। हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, राइट हियर कंसिडर, आपको लिखना होगा टी एन प्लस वन डिवाइड बाई टी एन,
तो टी एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट टर्म है अपॉन प्रीवियस टर्म है, अगर इसे सॉल्व करके आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा यानी कि कोई भी नंबर मिलेगा तो सीक्वेंस आपका जीपी में यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले tn तो हमें दिया है, देखो यहाँ पे tn दिया है, आपको tn प्लस वन निकालना पड़ेगा। मैं देखो निकालता हूँ tn हमें कितना दिया है, यहाँ पर निकाला है हमने 4/3 इंटू 3^n है, ये tn है ठीक है। अब मैं यहाँ से tn प्लस वन निकालूंगा यानी कि n को रिप्लेस करके आप वहाँ पर क्या पुट करोगे, n प्लस वन। सो therefore यहाँ से मिलेगा tn प्लस वन इक्वल टू 4/3 और यहाँ पर 3^n प्लस n को रिप्लेस करके n प्लस वन कर दो, तो ये आपका हो गया tn प्लस वन। अब मैं ये कंसिडर करूँगा tn प्लस वन अपॉन tn, तो आई विल राइट हियर कंसिडर, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर tn प्लस वन डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा आपका tn, दिस इज इक्वल टू tn प्लस वन का वैल्यू आपको दिया है देखो यहाँ पर 4/3 है इंटू 3^n प्लस वन है डिवाइड बाय tn का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है 4/3 इंटू 3^n, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू 3^n हो जाएगा, 4/3 कैंसिल हो गया ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ये 3^n प्लस वन है अपॉन देखो 3^n है, तो मैंने बेस कॉमन ले लिया तो ये पावर ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको माइनस एन लिखना होगा, तो प्लस एन माइनस एन कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 3^1 यानी गया विच इज़ कॉन्स्टेंट हो गया, हाँ आप लिखोगे विच इज़ कॉन्स्टेंट ठीक है। तो हमें क्या मिला, कॉमन रेशियो कॉन्स्टेंट मिल गया ना, बिकॉज टी एन प्लस वन अपॉन टी एन इज़ अ कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो इज़ कॉन्स्टेंट, therefore by definition sequence is in GP, मैं आप लिखूँगा therefore by definition लिख दो आप, by definition given sequence, हाँ given sequence is in GP, हाँ given sequence is in GP लिखेंगे हम, और यहाँ पर आप लिख दो hence proved। सो हमने देखो इसे प्रूफ कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, इफ एस पी आर आर द सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जी पी रिस्पेक्टिवली ठीक है, देन वी हैव टू वेरीफाई यानी कि आपको प्रूफ करना है कि एस अपॉन आर होल रेस टू एन इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जी पी, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जी पी एंड यहाँ पे लिखेंगे आर बी द कॉमन रेशियो, हाँ आर बी द कॉमन रेशियो ठीक है, ये हमने ले लिया। देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ एंड ए पी इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस क्या आएगा, ए ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यूब डॉट डॉट ऐसे कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में ए आर रेस टू एन माइनस वन आता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल सीरीज हम लेते हैं, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर रेस टू थ्री और जो लास्ट का एंथ टर्म रहेगा वो ए आर रेस टू एन माइनस वन होता है ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ एस इज द सम ऑफ द, देखो यहाँ पे लिखा है ना एस पी आर को डिफाइन किया है, एस इज द सम लिखा है, पी इज द प्रोडक्ट लिखा है एंड आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स लिखा हुआ है, तो हम जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। हम मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फॉर अ जी पी, हाँ देयरफॉर फॉर अ जी पी सम ऑफ द एन टर्म, तो आपको मालूम है एस एन होता है बट मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या आएगा ए इंटू आर रेस टू टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको पता ही है ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, ये आपका एस हो गया। बाद में देखो पी क्या डिफाइन किया है, पी इज़ द प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स आपको दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे पी इक्वल टू दिया प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स यानी कि ए इंटू देखो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट डॉट अप टू क्या आएगा इंटू लास्ट का टर्म ए आर रेज टू एन माइनस वन आपको दिया है ठीक है। देखो ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर रेज टू थ्री डॉट डॉट इंटू ए आर रेज टू एन माइनस वन है, तो यहाँ पर जो ए दिया है ना ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए वो एन टाइम्स दिया है, तो मैं उसे कंबाइन करके ए रेज टू एन लिख सकता हूँ इंटू देखो अभी आर,
आर में क्या करता हूँ, बेस कॉमन लेता हूँ, पावर को ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे आर का पावर 1 है तो 1 प्लस, आर का पावर 2 है तो 2 प्लस, आर का पावर 3 है प्लस 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 कंटिन्यू रहेगा, आर का पावर क्या आएगा यहाँ पर देखो एन माइनस 1 तक जाएगा दिस वे। तो ये हमारा पी मिल गया, इसे हमें और सिंप्लीफाई करना होगा। सी मैं ट्राई करूँगा ये फाइंड आउट करने का, हाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू एन माइनस 1। इसे देखो मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, फिर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमें मालूम है यहाँ पे, वी विल राइट हियर, वी नो दैट हमें मालूम है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू एन इक्वल टू क्या आता है, फॉर्मूला आपको मालूम है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है। देखो ये फार्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू एन, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2। तो सेम वे अगर मुझे यहाँ पर निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू लास्ट का टर्म कितना दिया है एन माइनस 1, हाँ मुझे देखो ये फाइंड आउट करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू एन माइनस 1 का वैल्यू क्या आएगा। तो सिंपल है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू एन का वैल्यू ये आता है एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो लास्ट में यहाँ पे कितना टर्म्स है, एन माइनस 1 टर्म दिया है ना, तो जस्ट फार्मूले में क्या होगा एन को रिप्लेस करके आपको एन माइनस 1 लिखना है। ये फार्मूला हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया हुआ है, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट एन माइनस 1 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूले में क्या हो जाएगा एन को रिप्लेस करके वहाँ पर आपको एन माइनस 1 लिखना है। तो जहाँ पर एन है ना, मैं वहाँ पर लिखूँगा एन माइनस 1, फिर देखो ब्रैकेट में जहाँ पर एन है वहाँ पर एन माइनस 1 और ये प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई 2। आई थिंक आपको समझा जाएगा, यही सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया है, एन को रिप्लेस कर दिया है एन माइनस 1 से, एन को रिप्लेस कर दिया है एन माइनस 1 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस प्लस अप टू प्लस, देखो यहाँ पर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा इंटू, देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो यहाँ पर एन बचेगा और डिवाइड बाई 2 है, एन से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई 2 आएगा। आपको क्या मिलेगा n n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मिलेगा। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 2 है तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा p इक्वल टू a रेज टू n तो एज इट इज़ रहेगा इनटू। अब देखो यहाँ पे r रेज टू क्या दिया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस अप टू n माइनस 1 दिया था, तो उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे n n माइनस 1 अपॉन 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पावर में n n माइनस 1 डिवाइड बाई देखो आपका 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से मिला हमें ये आप ध्यान में रखो, यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन नंबर 2 में दिस वे, ये s मिल गया और हमें देखो p मिल गया, ठीक है। ये हमें देखो p मिल चुका है इतना दिस वे, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में दे देता हूँ, ठीक है। बाद में यूटिलाइज करने वाले हैं हम इसे प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, देखो पी को डिफाइन किया, सॉरी आर को डिफाइन किया है, आर क्या डिफाइन किया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एन टर्म्स, यानी कि ये देखो आपका एन टर्म है तो सम लेना है, बट किसका सम लेना है टर्म्स के रेसिप्रोकल का, यानी कि ईच टर्म का रेसिप्रोकल लेना है बाद में उसे ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर देखो आर को डिफाइन किया है, आर इक्वल टू ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आएगा प्लस ए आर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन ए आर क्यूब हो जाएगा प्लस प्लस देखो कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पे आएगा प्लस ए सॉरी प्लस आएगा आपका यहाँ पे 1 अपॉन देखो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। तो क्वेश्चन में हमें आर को डिफाइन किया था, आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एन टर्म्स, हमने ये लिख दिया। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, तो मैं देखो एलसीएम लेता हूँ, ये हो जाएगा आर इक्वल टू ठीक है एलसीएम। देखो अभी यहाँ मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेस टू एन माइनस 1 का एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेना ईजी है, देखो इसमें जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो है ए आर रेस टू एन माइनस 1 और ए आर रेस टू एन माइनस 1 ईच नंबर से देखो डिविजिबल है, तो ये ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 हमारा एलसीएम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एलसीएम ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है।
आफ्टर दैट देखो हमें क्या करना है। अब ये न्यूमरेटर का वैल्यूज कैसे आता है आपको मालूम है, ये एलसीएम को आप ईच वैल्यू से डिवाइड करके प्लस करते जाओगे जो रिमेनिंग बचेगा आपका, जैसे कि ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। तो अगर मैंने इसे ए से डिवाइड किया, अगर मैंने ये पूरे को ए से डिवाइड किया तो ए कैंसिल होगा, आर रेस टू एन माइनस वन बचेगा, तो आप लिखोगे आर रेस टू एन माइनस वन फिर प्लस। अब देखो ये ए आर रेस टू एन माइनस वन से मैं इसे डिवाइड करूँगा, ए आर से डिवाइड, देखो कैसे आएगा, ये ए आर रेस टू एन माइनस वन है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ए आर से, देखो क्या आएगा आपका, ए कैंसिल हो गया और ये आर का पावर वन होता है तो आर रेस टू एन माइनस वन, ये जाएगा न्यूमरेटर में तो माइनस वन यानी कि आर रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा दिस वे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर रेस टू एन माइनस टू लिख दोगे दिस वे। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो प्लस कंटिन्यू रहेगा, ये आर रेस टू एन माइनस थ्री मिल जाएगा, पैटर्न आपको पता चल गया। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आर रेस टू एन माइनस फोर मिल जाएगा, फिर यहाँ पर देखो प्लस 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 आपका लास्ट टर्म, देखो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए आर रेस टू एन माइनस वन दिया है, इसे डिवाइड किससे करना है हमें, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन से डिवाइड करना है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन कैंसिल होकर के वन आएगा, तो लास्ट का टर्म आपका वन आ जाएगा। तो आई थिंक ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ, देखो ये कैसे हो जाएगा, अभी आर इक्वल टू पहले वन है ना, मैं लिखता हूँ वन प्लस, देखो अगर आप इसे रीअरेंज करोगे ना तो पहले प्लस वन लिखता हूँ, प्लस वन के बाद का जो टर्म आएगा ना वो आर आएगा, उसके बाद देखो आर स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद देखो आर रेस टू थ्री आएगा, प्लस आपका आर रेस टू फोर आएगा, प्लस 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 बाद में ये सब टर्म्स आपके आते जाएंगे, जैसे आर रेस टू एन माइनस फोर है, आर रेस टू एन माइनस थ्री है, फिर आर रेस टू एन माइनस ऐसे आते जाएगा आपका। सर मैंने यहाँ पे लिख दिया आर रेस टू एन माइनस फोर प्लस आपका आर रेस टू एन माइनस थ्री, फिर प्लस देखो आर रेस टू एन माइनस टू, और लास्ट में ये टर्म आएगा आपका प्लस आर रेस टू एन माइनस वन आएगा। तो ये सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम इसे, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस वन लिखा है, लेकिन प्लस वन के बाद टर्म्स कंटिन्यू रहेंगे ना आपके, यहाँ पे वन फिर प्लस आर होगा, फिर आर स्क्वायर होगा, फिर आर रेस टू थ्री होगा, आर रेस टू फोर, डॉट डॉट कंटिन्यू करोगे तो आर रेस टू एन माइनस फोर, आर रेस टू एन माइनस थ्री, आर रेस टू एन माइनस टू, आर रेस टू एन माइनस वन, और लास्ट में क्या आएगा आपका, ये आर रेस टू एन माइनस वन आएगा। और मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड बाय एज इट इज आप करेगा, हाँ दैट मीन्स ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। सी अब अगर ये न्यूमरेटर का सीक्वेंस आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सीक्वेंस जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ द कॉमन रेशियो। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ देयर फोर न्यूमरेटर, यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर सीक्वेंस, हाँ न्यूमरेटर सीक्वेंस इज इन क्या लिखोगे आप, ये जीपी में है विथ ए इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू आर अपॉन वन दैट इज़ आर आएगा। तो न्यूमरेटर में हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू SN का फॉर्मूला आपको मालूम है, A इंटू आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाय होता है R माइनस वन अपॉन, ये तो रहेगा ही आपका A इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। सो देखते कितना मिलता है, A का वैल्यू वन है इंटू देखो यहाँ पर R रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाय R का वैल्यू है R ही रहेगा, दैट मीन्स R माइनस वन, और ये आपका देखो डिवाइड बाय ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाय ये आर माइनस वन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर माइनस वन इंटू ए इंटू देखो यहाँ पर आर रेस टू एन माइनस वन, ये हमें आर मिल गया है। ठीक है, मैं इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर फोर दे दूंगा, ये आप ध्यान में रखो। इम्पॉर्टेंट क्या था, हमें एस पी और आर का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू हमने कितना निकाला देखो यहाँ पर, एस का वैल्यू हमने निकाला है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, उसके बाद हमने पी का वैल्यू देखो यहाँ पे निकाला है ए रेस टू एन इंटू आर रेस टू एन एन माइनस वन अपॉन टू, और बाद में हमने आर का वैल्यू देखो निकाला है आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है s अपॉन r होल रेस टू n इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर LHS कंसीडर करूँगा, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूँगा और बाद में राइट हैंड साइड कंसीडर करूँगा, दोनों सेम आएगा। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे प्रूफ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर नाउ कंसीडर दिस LHS, LHS क्या दिया देखो आपको यहाँ पर s अपॉन r होल रेस टू n दिया हुआ। ठीक है, एस का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर वन से, इक्वेशन नंबर वन में एस का वैल्यू क्या दिया है ए इंटू देखो आर रेस टू एन माइनस वन
डिवाइड बाय आर माइनस वन, ठीक है, और ये अपॉन आएगा आपका आर का वैल्यू। आर का वैल्यू देखो हमें यहाँ पर मिला हुआ है, आर का वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर में मिला है। तो इक्वेशन नंबर फोर में आर का वैल्यू है देखो यहाँ पर आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइड बाय यहाँ पर आर माइनस वन इंटू ए इंटू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर रेज टू एन माइनस वन ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड फोर से हमने लिया। ये इक्वेशन नंबर वन था और ये फोर था, यहाँ से हमें मिला s अपॉन r, और ये होल रेज टू n भी है, ये आपको भूलना नहीं है। ये s अपॉन r हो गया और ये होल रेज टू n तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं सिंप्लीफाई करूँगा, देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में, हाँ ठीक है, सो दिस विल बी a इंटू देखो ये r रेज टू n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन, ये डिवीजन है तो इनटू में हो जाएगा ये, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स आर माइनस वन इंटू ए इंटू आर रेज टू एन, आर रेज टू एन माइनस वन, और देखो ये डिवाइड बाय हो जाएगा आर रेज टू एन माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर रेज टू एन माइनस वन, ठीक है। और ये पावर में आपको एन दिया है, एज इट इज़ रहेगा। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर, सी यार आर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, आर रेज टू एन माइनस वन आर रेज टू एन माइनस वन जाएगा, तो हमें क्या बच रहा है देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो देखो ए स्क्वायर हो जा रहा है ये। और सेकंड थिंग यहाँ पर क्या बच रहा है आपका आर रेज टू एन माइनस वन, और ये जो पूरे का पावर है वो तो एन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पावर को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, ये ए रेज टू टू एन हो जाएगा इंटू आर रेज टू एन एन माइनस वन हो जाएगा, हाँ एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये देखो हमें एल एच एस का वैल्यू मिल गया, हाँ ये हमें एस अपॉन आर होल रेज टू एन का वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गया है एस अपॉन आर होल रेज टू एन मिल गया है। इसे मैं इक्वेशन नंबर फाइव दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें एल एच एस मिल गया है, अब मैं आर एच एस को सॉल्व करूँगा, पी स्क्वायर को सॉल्व करता हूँ। अब देखो मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, आर एच एस लेता हूँ, आर एच एस कितना दिया हमें देखो यहाँ पे पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी स्क्वायर, पी कितना निकाला हमने देखो इक्वेशन नंबर थ्री में, पी निकाला हमने ए रेज टू एन इंटू देखो आर रेज टू एन, और ये एन माइनस वन डिवाइड बाई टू है, इसका हमें क्या करना है देखो यहाँ पर स्क्वायर करना है, बहुत ही सिंपल है स्क्वायर करना। तो ए रेज टू एन का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ए रेज टू टू एन मिल जाएगा इंटू देखो यहाँ पे आर रेज टू एन एन माइनस वन अपॉन टू का आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब क्या करना है, देखो आर का पावर है ये, तो पावर पावर आपको मान लो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा आर रेज टू, जब पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका एन एन माइनस वन बचने वाला है, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर में, इसे सिक्स लिख देता हूँ, आई थिंक समझा रहेगा आपको। आर एच एस क्या है, पी स्क्वायर, और पी का वैल्यू कितना निकाला हमने, ये निकाला, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो ए रेज टू एन का स्क्वायर किया, ए रेज टू टू एन हो गया, और ये नंबर का स्क्वायर करोगे ना तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर रेज टू एन एन माइनस वन बचेगा। अब आप इक्वेशन नंबर फाइव और सिक्स को ऑब्जर्व कर लो। इक्वेशन नंबर फाइव देखो ए रेज टू टू एन इंटू आर रेज टू एन एन माइनस वन, इक्वेशन नंबर सिक्स देखो ए रेज टू टू एन इंटू आर रेज टू एन एन माइनस, सेम थिंग मिल रहा है हमें। तो इक्वेशन नंबर फाइव एंड सिक्स सेम है, तो एल एच एस इक्वल टू देखो हमें आर एच एस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयर फोर, आप लिख दो फ्रॉम फाइव एंड सिक्स, फ्रॉम फाइव एंड सिक्स आप लिखोगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस लिखेंगे हम वेरीफाइड। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, हेंस वेरीफाइड, तो ये फाइनल आंसर है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन टेन देखो आपको दिया है, इफ़ एस एन एस टू एन एस थ्री एन आर द सम ऑफ द एन टू एन एंड थ्री एन टर्म्स ऑफ अ जी पी रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट एस एन इंटू एस थ्री एन माइनस एस टू एन इक्वल टू एस टू एन माइनस एस एन का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा फॉर द जी पी, तो आई विल राइट हियर फॉर अ जी पी लिखेंगे हम लोग। एस एन का फॉर्मूला आपको मालूम है, एस एन इक्वल टू होता है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन होता है, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जी पी एंड आर इज़ द कॉमन रेशियो। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट आपको क्या बोला है यहाँ पर देखो, एस टू एन इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू एन टर्म्स, तो ये हो जाएगा एस एन की जगह पर आपको सिर्फ टू एन लिखना है ए इंटू
आर रेज टू एन की जगह पे लिखना है 2n माइनस 1 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर r माइनस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सेम वे हमें s3n भी निकालना है, तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू एन के प्लेस पे 3n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब हम LHS और RHS लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ S3N माइनस S2N को सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन 1, 2, 3 हो गया। अब हमें ये देखो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, हाँ कंसीडर करेंगे S2N माइनस SN लेंगे, स्क्वायर हम बाद में करते हैं, सबसे पहले मैं S2N माइनस SN फाइंड आउट करूँगा, देखते क्या आता है। ये देखो हो जाएगा आपका S2N, S2N कितना है यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2 से, a इंटू आर रेज टू 2N माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 माइनस SN कितना है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये हो गया ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा S2N माइनस ये SN इज इक्वल टू, दोनों भी टर्म में देखो a अपॉन r माइनस 1, a अपॉन r माइनस 1 कॉमन है, तो मैं यहाँ से a अपॉन r माइनस 1 कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो यहाँ पर r रेज टू 2n माइनस 1 बच रहा है, और यहाँ पर देखो माइनस ये r रेज टू n माइनस माइनस, तो प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया आपका। सो देयरफॉर S2n माइनस SN इक्वल टू क्या बचेगा a अपॉन r माइनस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में r रेज टू 2n माइनस r रेज टू n बच रहा है। ऐसा कुछ कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो a अपॉन r माइनस 1 है, r रेज टू 2n है, और यहाँ पे r रेज टू n है, तो मैं यहाँ से r रेज टू n को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे r रेज टू n कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा r रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा, ये देखो हो गया आपका S2n माइनस SN हो गया। बट हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या दिया है S2N माइनस SN का होल स्क्वायर दिया है, तो अब मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ RHS इक्वल टू S2N माइनस SN का, देखो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका देखो ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आर रेज टू एन का स्क्वायर करना है, तो ये आर रेज टू 2N हो जाएगा इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 का देखो स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ, नाउ सी यू, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं इसे, ये हो जाएगा आपका देखो ए स्क्वायर है ना, तो मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, और ये देखो आपका आर माइनस 1 है, तो आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 आप लिख सकते हो, इंटू ये आर रेज टू 2n है इंटू ये आर रेज टू n माइनस 1 का स्क्वायर है, तो हम देखो इसे दो बार लिख सकते हैं ना, आर रेज टू n माइनस 1। सिंपली मैंने क्या किया, आर रेज टू n माइनस 1 का स्क्वायर था मैंने दो बार लिख दिया, a का स्क्वायर था मैंने दो बार लिख दिया इंटू ए, आर माइनस 1 का स्क्वायर था मैंने दो बार लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा हमें, a इंटू देखो यहाँ पर r रेज टू n माइनस 1 अपॉन देखो मैं लिखता हूँ r माइनस 1, ठीक है, ये a ले लिया अपॉन ये r माइनस 1 ले लिया हमने, और ये r रेज टू n माइनस 1 ले लिया, इतना टर्म देखो मैंने लिया a, और ये देखो मैंने ले लिया, और यहाँ से मैंने ये टर्म ले लिया है a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ले लिया हमने। बाकी देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर आपका बच रहा है a इंटू देखो r रेज टू 2n बच रहा है अपॉन देखो यहाँ पे r माइनस 1 बच रहा है इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है r रेज टू n माइनस, इतना टर्म्स आपका बच रहा है। नाउ सी ये देखो आपका a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इसे मैं एक साथ रखता हूँ, और ये टर्म्स में मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई कैन राइट हियर a अपॉन r माइनस 1, ठीक है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, और देखो यहाँ पर जो r रेज टू 2n है ना, तो r रेज टू 2n से मैं ब्रैकेट को ओपन भी कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ देखो r रेज टू 2n से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा r रेज टू 2n इंटू r रेज टू n, तो देखो r रेज टू 3n हो जाएगा, फिर माइनस r रेज टू 2n इंटू 1, तो r रेज टू देखो ये 2n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ फाइंड आउट करने का कि मुझे LHS मिल जाए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 से एडजस्टमेंट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई देखो ये r माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में a अपॉन r माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू देखो यहाँ पे ब्रैकेट में r रेज टू 3n है, तो मैं माइनस 1 प्लस 1 से एडजस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। r रेज टू 3n मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 1 देन माइनस, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं देखो ब्रैकेट में r रेज टू
आर रेज टू 3n-1, और फिर मैं यहाँ पर माइनस देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट लिखता हूँ, देखो आर रेज टू 2n-1। देखो सिंपली मैंने एडजस्टमेंट किया है, मैंने -1 + 1 का एडजस्टमेंट किया। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो +1 हो जाएगा, ये तो -1 + 1 का एडजस्टमेंट किया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, a इंटू आर रेज टू एन माइनस वन डिवाइड बाय r-1 इंटू, देखो ब्रैकेट में ये मैं एक ब्रैकेट में रख देता हूँ इसे, हाँ ठीक है, और ये दूसरे ब्रैकेट में। अब हम क्या करते हैं, इससे ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा। अब ये जो टर्म है बाहर ना, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो a इंटू आर रेज टू 3n-1 डिवाइड बाय r-1, देन माइनस a इंटू आर रेज टू 2n-1 डिवाइड बाय r-1। आपको समझा रहेगा हमने क्या किया, a अपॉन r-1 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अभी हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऑब्जर्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 देखो आपका a इंटू आर रेज टू n-1 अपॉन r-1, ये आपका sn हो गया, तो आप यहाँ पे लिख दोगे sn इंटू, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में a इंटू आर रेज टू 3n-1 अपॉन r-1। इक्वेशन नंबर 2 चेक करो, वो s, इक्वेशन नंबर 3 चेक करो, हाँ ये s3n है, और माइनस a इंटू आर रेज टू 2n-1 अपॉन r-1। इक्वेशन नंबर 2 चेक करो आप, वो s2n है, ये देखो हो गया आपका s2n हो गया। तो दैट मीन्स हमने RHS लेके सॉल्व किया और हमें देखो LHS मिल गया, ये देखो आपका LHS था sn इंटू s3n-s2n, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख दो hence proved लिखो, या तो लिखो hence verified, तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।